ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 30 है ना, और आज कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि इस चैप्टर को अपन कंप्लीट कर दें। चैप्टर नंबर 13 में अपन डिस्कस कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन डिस्कस कर रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन। इसमें जो लास्ट अपन रिएक्शन देख रहे थे लास्ट क्लास में, वो अपने पास थी कार्बिल एमीन रिएक्शन, कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, आइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। और इसमें आपके पास किसके लिए होता है, प्राइमरी एमीन के लिए, फॉर प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन के लिए होता है आइसोसाइनाइड टेस्ट। होता क्या है इसमें वो बात कर लेते हैं ना। मैंने आपको बताया था कि अगर अपन 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन RnH2 प्राइमरी एमीन की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, क्लोरोफॉर्म प्लस 3KOH के साथ करवाते हैं, किसका फॉर्मेशन होता है RnC प्लस आपके पास क्या जाता है 3 मोल ऑफ KCl प्लस अपने पास क्या जाता है 3 मोल ऑफ H2, इनका फॉर्मेशन होता है। तो आइसोसाइनाइड जैसे ही अपन अमीन प्राइमरी एमीन में क्लोरोफॉर्म प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है आइसोसाइनाइड का, तो उसे अपन आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। और किसके लिए आता है ये, प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन के लिए। बात करते हैं, मैंने आपको कहा था कि इसकी जो मैकेनिज्म है वो अपन नेक्स्ट क्लास में यानी कि आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कैसे ये रिएक्शन होती है। देखो आपके पास यहाँ पे क्या है, क्लोरोफॉर्म HCl Cl और Cl। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में कि कार्बीन का फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है कार्बीन का। अब कुछ मेरे प्यारे बच्चे हैं वो ये कहेंगे कि सर व्हाट इज द कार्बीन, कार्बीन क्या होता है। तो कार्बीन क्या होता है कि जब आपके पास कार्बन कोई हो उस कार्बन पर एक तो आपके पास लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर विथ एन कार्बन एटम, तो उसको अपन क्या कहते हैं, कार्बीन कहते हैं। कार्बीन इज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड एज एक्ट ऑलवेज एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ऑलवेज एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। कैसे होता है फॉर्मेशन, 1 मोल ऑफ KOH से आप क्या कराओगे, रिएक्शन कराओगे पोटेशियम पे प्लस OH पे माइनस, तो होगा क्या CCl2 यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा प्लस अपने पास क्या होगा KCl प्लस 1 मोल ऑफ H2O का क्या होगा फॉर्मेशन होगा। अब देखो यहाँ पे जो कार्बन एटम है इसके पास एक तो लोन पेयर है, ये लोन पेयर मैंने शो कर रखे हैं डॉट से, और दो आपके पास क्या है बॉन्ड पेयर है, मीन्स 2 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है क्लोरीन के साथ, इसको अपन क्या कहते हैं डाई क्लोरोकार्बिन, इट इज नोन एज डाई क्लोरोकार्बिन, इसको अपन डाई क्लोरोकार्बिन कहते हैं। अब RnH2 की बात करते हैं, RnHH, वी नो दैट कि नाइट्रोजन पे क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। CCl2 की बात अगर करें, CCl2 में भी आपके पास क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, बट ऑलवेज करता एक्ट कैसे करता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल, तो क्या मिलेगा आपको RnHHCCl, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सर नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके कारण से कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज। फिर क्या करेंगे अपन, जब 2 मोल ऑफ KOH से आप इसकी रिएक्शन कराओगे, अब KOH से रिएक्शन करा रहे हो तो पोटेशियम पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव, OH पे कौन सा चार्ज नेगेटिव, तो होगा क्या आपका फॉर्मेशन होगा R plus 2 मोल ऑफ H2O का फॉर्मेशन। तो टोटल कितने मोल्स बन रहे थे, 3 मोल ऑफ HCl, 1 मोल यहाँ, 2 मोल यहाँ, और 3 मोल ऑफ H2O, तो 1 मोल यहाँ, 2 मोल यहाँ। अगर आप चाहते हो तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि
पहले एक हाइड्रोजन हटा दें यहाँ से और एक सीएल हटा दें, तो हाइड्रोजन और सीएल हटाओगे तो नाइट्रोजन से पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा, फिर यहाँ से सीएल और फिर यहाँ से हाइड्रोजन, तो एक एक स्टेप करके भी इसको रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करो, 2 मोल ऑफ KOH रिएक्शन करवा दो, तो 2 मोल ऑफ KCl + 2 मोल ऑफ H2O क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि इस रिएक्शन में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, इस रिएक्शन में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, कार्बिन बनता है। एंड व्हाट इज कार्बिन, कि अगर आपके पास कोई भी कार्बन हो और कार्बन पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, देन 2 बॉन्ड पेयर हो, देन इट इज नॉन एज कार्बिन, ठीक है ना। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट रहता है आपके पास कार्बिन, और पहले स्टेप में अपन कार्बिन का ही फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर ये रिएक्शन और इसकी मैकेनिज्म क्लियर है तो जल्दी से हैंड रेस कर दीजिए, अपन चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, वो आपने पहले भी देख रखी कि सर पहले तो हमें तो सैटरडे का याद नहीं है क्या हुआ था, आप बात कर रहे हो पहले की, है ना। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, नेक्स्ट रिएक्शन जो है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे ना। आइए देखते हैं कैसे होगी रिएक्शन। ये कि आप क्या करवा रहे हो, RNH2, RNH2 की रिएक्शन अपन NaNO2 + HCl से करवा रहे हैं। याद आया कुछ रिएक्शन, टर्म वन में एक चैप्टर था आपके पास हेलो एल्केन और हेलोरीन, वहां पे एक रिएक्शन थी सैंडमेयर रिएक्शन, उसकी बात कर रहे हैं। 273 to 278 केल्विन, सॉरी केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है, तो किसका फॉर्मेशन होता है, R(N2Cl) - इट इज नॉन एज एल्काइल डायजोनियम, क्लोराइड, इट इज नॉन एज एल्काइल डायजोनियम क्लोराइड, R(N2+ और Cl-। अगर आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देते हो, H2O के साथ, तो H2O के साथ करवाने पे क्या मिलता है अपने को, अल्कोहल प्लस आपके पास N2 और प्लस आपके पास क्या आ जाता है, HCl। अब अपन ने जब चैप्टर नंबर 10th करा था, उस 10th में हेलो एल्केन और हेलोरिन में रिएक्शन कुछ नहीं होती, क्या आपके पास एनिलीन था, NH2 एनिलीन था। एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ करवाई थी अपन ने, NaNO2 + HCl के साथ, टेम्परेचर सेम था 273 to 278 केल्विन, इसका फॉर्मेशन हुआ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2+ और Cl-, इट इज नॉन एज BDC, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और फिर इसकी रिएक्शन कॉपर हैलाइड के साथ करवाई, कॉपर के सॉल्ट के साथ करवाई, तो आपको क्या मिला, क्लोरोबेंजीन मिला। अगर आपने यहाँ पे बाल्ब सीमान करवाई तो अपने को कुछ और जैसे फ्लोरोबेंजीन मिला, जब अपन ने इसकी रिएक्शन KI के साथ करवाई तो आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन हुआ, ये सब अपने को पता है ना। बट अब इसकी रिएक्शन अगर वापस अपन H2O से ही करवा देते हैं, तो H2O से करवाने पर किसका फॉर्मेशन होता है, फिनॉल का, और प्लस अपने पास क्या जाता है, HCl + अपने पास क्या जाता है, N। रिएक्शन अगर समझ आ गई हो तो जल्दी से हैंड रेस कर दीजिए। NaNO2 + HCl है तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं HNO2 + आपके पास NaCl, एंड HNO2 इज नोन एज नाइट्रस एसिड। HNO2 को अपन क्या कहते हैं, नाइट्रस एसिड कहते हैं। तो इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो डायजो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, जो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, या तो अल्कोहल देगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, फिनॉल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट वाली काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिकॉज ये डिफरेंशिएट करती है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को, कि अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो कि विच वन इज 1 डिग्री एमीन, विच वन इज 2 डिग्री एमीन एंड विच वन इज 3 डिग्री एमीन, तो नेक्स्ट वाली रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या है देखो, रिएक्शन विथ
रिएक्शन विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, यूं कह सकते हैं रिएक्शन विथ हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट। व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट? हिंसबर्ग रिएजेंट का आईयूपीएसी नेम ही होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज नॉन एज हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है ना सर। स्ट्रक्चर क्या रहती है इसकी? स्ट्रक्चर देखो, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड SO2Cl, सल्फोनिल क्लोराइड SO2Cl, ये आपके पास आ गया हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है ना SO2Cl। अब अपन ये बात कर रहे हैं कि डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, तो अगर अपन देखें कि 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन मतलब आपके पास क्या आ गया C2H5NH2, C2H5NH2 इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं। S डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो Cl प्लस क्या है आपके पास NH2C2H5 एन एच एच C2H5। इस H को यहां लिख देते हैं एच, तो HCl क्या होगा बाहर निकलेगा, HCl बाहर निकलेगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको S डबल बॉन्डो एंड C2H5H, ये आपके पास क्या मिलेगा प्रोडक्ट मिलेगा एन एल्काइल बेंजीन सल्फेनामाइड, एन एल्काइल बेंजीन सल्फेनामाइड, ये आपके पास प्रोडक्ट मिलेगा। अब एल्काइल में क्या है आपके पास 2 कार्बन है, तो अपन क्या कहेंगे इसको एन इथाइल बेंजीन सल्फेनामाइड। अगर आप रिएक्शन किससे करवा रहे हो 1 डिग्री एमीन से, अगर आप रिएक्शन करवाते हो किससे 2 डिग्री एमीन से, SO2Cl प्लस H एन C2H5 और C2H5, ये अपने पास क्या होगा 2 डिग्री एमीन होगा। वही है यहां से HCl क्या होगा बाहर निकलेगा, HCl बाहर निकलेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N, यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे C2H5, N N डाइथाइल बेंजीन सल्फेनामाइड। अब मैं बात करूँ 3 डिग्री एमीन की, 3 डिग्री एमीन क्या होता है कि सर N होगा, मैंने कहा एकदम होगा, C2H5 होगा, C2H5 होगा एंड C2H5 होगा, मीन्स इस नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। 3 डिग्री एमीन में क्या रहता है कि ऑल द 3 valences ऑफ नाइट्रोजन आर ऑक्यूपाइड बाय एल्काइल ग्रुप, एक भी आपके पास हाइड्रोजन नहीं होता है, उसको अपन क्या कहते हैं 3 डिग्री एमीन कहते हैं। अब 3 डिग्री एमीन में कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं देते। यहाँ पे 3 डिग्री एमीन में एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है नाइट्रोजन के पास, तो ये एक भी क्या नहीं करेगा, एक भी आपको सॉरी ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं। तो अगर आप 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन करवाते हो तो 1 डिग्री एमीन क्या करेगा एन इथाइल बेंजीन सल्फेनामाइड बनाता है। अब इथाइल की जगह अगर आप यहाँ पे CH3 यूज कर रहे हो देन मिथाइल C3H7 यूज कर रहे हो तो प्रोफाइल मीन्स वी कैन से दैट कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो एन एल्काइल बेंजीन सल्फेनामाइड बनता है, यहाँ पे एन एन डाई एल्काइल बेंजीन सल्फेनामाइड बनता है और 3 डिग्री एमीन जो है वो रिएक्शन ही नहीं देता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, है ना। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन, तो अपन 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक मैंने आपको ऐसे CH3COCl एथाइलेशन भी बताया था रिएक्शन के, केमिकल रिएक्शन जब स्टार्ट हो रही थी तो फर्स्ट पॉइंट वही था। सेकंड आप क्या कर सकते हो कि हिंसबर्ग रिएजेंट से डिफरेंशिएट कर सकते हो अमंग द कौन सा 1 डिग्री एमीन है, कौन सा 2 डिग्री एमीन है, कौन सा 3 डिग्री एमीन है। 3 डिग्री एमीन रिएक्शन नहीं देता बिकॉज नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता, 1 डिग्री अगर रिएक्शन देगा तो एन एल्काइल
बेंजीन सल्फेनामाइड बनाएगा, अगर 2 डिग्री रिएक्शन देगा तो एन एन डाई अल्काइल बेंजीन सल्फेनामाइड बनाएगा, और 3 डिग्री वो आपके पास केमिकल रिएक्शन इसमें नहीं देता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं। नेक्स्ट आती है आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म में अपन इसको क्या कहते हैं, ESR कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या कहते हैं, ESR। अब अपने को पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से कंपाउंड देते हैं, जो आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड होंगे वही देंगे ESR। मतलब अपन जो यहाँ पे रिएक्शन की बात कर रहे हैं, एलिफेटिक एमीन की ना करके एरोमेटिक एमीन की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं, एरोमेटिक एमीन। ये आपके पास आ गया NH2। क्या आ गया आपके पास, NH2 एनिलीन, एरोमेटिक एमीन की बात कर रहे हैं ना। अगर आपके पास एरोमेटिक एमीन है तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है बच्चों, कि सर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मैंने कहा चलो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो खास बात क्या रहेगी, तो सर अगर इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। प्लस एम का मीनिंग क्या होता है, प्लस एम का मीनिंग ये होता है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट टू द बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेट टू द बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है ना। मीन्स जो आपके पास NH2 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस एम इफेक्ट शो करता है। प्लस एम इफेक्ट शो करता है मीन्स ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बच्चों, एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप का मीनिंग क्या हो गया, कि ये रिएक्टिविटी ऑफ ESR को, रिएक्टिविटी ऑफ ESR को क्या करता है, इंक्रीज करता है। रिएक्टिविटी ऑफ ESR को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और साथ में जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं सारे के। लास्ट से लास्ट ईयर जो JEE का एग्जाम हुआ था ना, उसमें ESR जो आपकी NCERT में दे रखी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन, इस पे क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था, कैसे था, ये देखना पड़ा ना। तो ये क्लियर है कि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। प्लस एम इफेक्ट शो करेगा मीन्स ये बेंजीन रिंग को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो उसको अपन एक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रुप विच शो प्लस एम इफेक्ट, वो हमेशा उसको, वो हमेशा ESR की रिएक्टिविटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ अटैक करवाते हैं, ऑर्थो पे और पैरा पे। कहाँ पे अटैक करवाते हैं, ऑर्थो और पैरा पे, है ना। कि सर कैसे, मैंने कहा देखो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो उससे क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल खुद क्या होता है कि सर भिखारी होते हैं, भिखारी तक कहाँ जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे जाएगा। कहाँ जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे जाएगा। कि सर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये देखो, NH2 3Br2 NH2 Br Br एंड Br का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे जाएगा और या किस पे जाएगा, पैरा पे। कि सर यहाँ पे तो आपके पास जो ब्रोमीन है वो मोर देन वन है, मीन्स मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन का फॉर्मेशन अगर करना हो हमें तो कैसे करेंगे, उसका रीजन बताओ। तो देखो आइए कैसे करते हैं वो भी बता देते हैं आपको, कि अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का फॉर्मेशन करना है तो
मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का फॉर्मेशन करने के लिए अपन क्या करेंगे कि पहले एनिलीन का एसाइलेशन करवाएंगे, किससे? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या आपके पास क्या है? एनिलीन है, बेंजीन के ऊपर एनएस टू ग्रुप। ओके, अब अगर आप इसकी रिएक्शन सी एस थ्री सी ओ के होल ट्वाइस ओ से करवा दो, सर मीनिंग मीनिंग तो सारे अपन साइड में लिखते हैं कि क्या होता है, सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, दिस इज एनहाइड्राइड ग्रुप, और कौन सा एनहाइड्राइड है? एसिटिक एनहाइड्राइड। जैसे ही आप सी एस थ्री सी ओ टू ओ से करवाओगे, एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराओगे, तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा? ये फॉर्मेशन करेगा एन सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, ठीक है, एन सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री। यहां पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहां पे क्या है? हाइड्रोजन। तो सर इससे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का फॉर्मेशन होगा कैसे? आपने तो लिख दिया एन एच सी ओ सी ओ सी ओ सी एस थ्री और यहाँ पे नीचे लिख दिया आपने बेंजीन, और फिर आप इसको रिएक्शन को कंप्लीट भी कर दोगे। कंप्लीट कैसे करोगे? एच प्लस एंड ओ एच माइनस आयन, उससे आप कह दोगे कि साथ में यहाँ पे बी आर टू, तो आप कह दोगे कि सर ये लो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया बी आर, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? एन एच टू। तो सर ऐसा कैसा पॉसिबल है कि आपने पहले तो NHCOCH3 ग्रुप अटैच करा और फिर उसको हटा दिया, और हटाते ही आपके पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का फॉर्मेशन हुआ है? तो रीजन सुनना उसका क्या है। देखो एक्चुअल में अगर मैं बात करूं, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाते तो रेजोनेंस होता, तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे कौन सा चार्ज रहता? नेगेटिव, है ना, कौन सा चार्ज रहता? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज रहता तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ? इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आता जहां पर नेगेटिव चार्ज हो। ओके, अब जहां पर नेगेटिव चार्ज हो वहां पे आता, तो अपन जो है वो एसाइलेशन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा क्यों रहे हैं? उसका रीजन मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराओगे, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? एच एन सी डबल बॉन्ड ओ CS3, और यहाँ पे क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताओ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन अल्टरनेटिव ऑर्डर। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये आपके पास कौन से ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं? अल्टरनेटिव ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है आपके पास? रेजोनेंस एच एन पे पॉजिटिव डबल बॉन्ड सी ओ पे नेगेटिव और सी एस, इसमें तो क्या हो सकता है? रेजोनेंस हो सकता है। तो अगर नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस के लिए इस कार्बन के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बेंजीन रिंग के साथ करेंगे नहीं, और बेंजीन रिंग के साथ अगर करेंगे नहीं तो ऑर्थो वाले प्रोडक्ट के बनने की जो चांसेस हैं वो हमेशा क्या रहेंगे? जीरो रहेंगे। मीन्स ऑर्थो वाला प्रोडक्ट आपको मिलेगा ही नहीं, आपको कौन सा मिलेगा? पैरा वाला प्रोडक्ट मिलेगा। करते क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि पहले NH2 ग्रुप की रिएक्टिविटी को कम करने के लिए अपन इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं, जिससे किसका फॉर्मेशन होता है? इसको क्या कहते हैं? इट इज नोन एज एसिट एनिलाइड, एसिट एनिलाइड का फॉर्मेशन होता है, और एसिट एनिलाइड की रिएक्शन आप एच प्लस और ओ एच माइनस आयन के साथ करवा की प्रेजेंस में बी आर टू के साथ करवाते हो, तो किसका फॉर्मेशन होगा? वन टू थ्री फोर, फोर ब्रोमो, फोर ब्रोमो एनिलीन कहते हैं इसको। क्या कहेंगे? फोर ब्रोमो एनिलीन। अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ आ गई हो तो एक बार जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट आगे। इलेक्ट्रोफिलिक समझ आ गई हो तो जल्दी कर दीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट आगे। तो ये तो आपके पास हो गया कि अगर आप ब्रोमिनेशन करवा रहे हो ना, अगर आपने नाइट्रेशन करवाया तो क्या होगा? देखो ये तब रिएक्शन है जब आप क्या करवा रहे हो? ब्रोमिनेशन। अब मैंने कहा ब्रोमिनेशन नहीं, आप नाइट्रेशन करवा दो, और आपके जो मैंने कहा था कि जेई में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, यानी कि ये एडवांस का नहीं था, मेन का क्वेश्चन था, है ना,
तो क्वेश्चंस आते हैं अपन एनसीईआरटी से रीड नहीं करते, अपन रह जाते हैं मॉड्यूल सॉल्व करने में और किसी में। तो पहला प्राइमरी स्टेज क्या होती है बच्चों, आप अपनी एनसीईआरटी सॉल्व करो और कुछ कि NH2 है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर, ठीक है। आपने क्या करा, इसका नाइट्रेशन करवाया। आपको पता है नाइट्रेशन जो है वो नाइट्रिक एसिड प्लस कंसेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हो सकता है। अब देखो यहाँ पे एक सरप्राइजली एक चीज मिलेगी आपको, क्या अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा आपको कि जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो प्रोडक्ट कहाँ कहाँ मिलेंगे, ऑर्थो पे पैरा पे, बिकॉज NH2 ग्रुप जो है, वो प्लस एम इफेक्ट शो करता है, और प्लस एम इफेक्ट शो करता है तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज। और ऑर्थो और पैरा पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो आपको ही पता है कि जो प्रोडक्ट है वो कहाँ मिलेगा, ऑर्थो एंड पैरा पे मिलेगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट रहता है कि अगर आप नाइट्रेशन करवाते हो, नाइट्रेशन करवाने पर आपको ऑर्थो वाला भी प्रोडक्ट मिलेगा प्लस आपको मेटा वाला भी प्रोडक्ट मिलेगा और आपको पेरा वाला भी प्रोडक्ट मिलेगा। पैरा ऑर्थो मेटा तीनों मिलते हैं, ऑर्थो सबसे कम रहता है, पैरा सबसे ज्यादा रहता है। तो सर आपने जो अभी कंसेप्ट बताया वो यहाँ नहीं लगेगा क्या, कि मेटा पे तो आएगा ही नहीं ग्रुप, आपने तो बताया था, फिर कैसे आ गया? तो मेटा पे आने का रीजन क्या है, देखो एक्चुअल में आपने यहाँ पे जो एसिड लिया है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। कौन सा एसिड है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब आपके पास ये NH2 है, ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में इससे रिएक्शन करवाते तो रिएक्शन करवाने पे एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन होता। कौन से आयन का, एनिलीनियम आयन। तो आप एक बात बताओ, इस नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बेंजीन रिंग क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा। मीन्स जो एनिलीनियम आयन में NH3 है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस एम। और जो प्रोडक्ट बनता है वो कहाँ बनता है, आपके पास मेटा पोजीशन पे। प्रोडक्ट जो है वो कहाँ बनता है, मेटा पोजीशन पे। मेटा वाला जो है वो आपके पास करीबन करीबन 47% जो है वो आपके पास फॉर्मेशन होता है मेटा वाले का। क्यों होता है वो रीजन बता दिया, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन होता है NH3+। ओके, तो ये इसका क्या हो गया, नाइट्रेशन हो गया। कि सर हमें तो मोनो वाला बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड कोई भी चीज बनानी हो तो आप बेंजीन लें, ये NH2 लिया, एनिलीन लें, और अपन इसकी रिएक्शन जो है वो पहले किसके साथ करवाएंगे, पहले एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, CH3CO का होल ट्वाइस O, उससे अपने को क्या मिलेगा, NHCOCH3, NHCOCH3 का फॉर्मेशन होगा। कि सर ये क्या करेगा, मैंने कहा अभी तो बताया था बच्चों आपको, ये H है, ये N है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये C है, डबल बॉन्ड C है, यहाँ पे क्या है आपके पास CH3। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव ऑर्डर में हो गया ना, तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो ये वाला नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नहीं किसको, किसी कार्बन को नहीं करेगा, तो आपके पास रेजोनेंस के चांसेस क्या रहेंगे, कम रहेंगे। सॉरी, जो आपके पास प्रोडक्ट मिल रहा है वो आपके पास क्या रहेगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट रहेगा ना। अब इसकी रीजन आके अगर आप करवाते हैं नाइट्रिक एसिड से तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, NO2, क्या रहेगा यहाँ पे, NO2। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी किसकी, एनिलीन की। एक रिएक्शन और आ जाती है उसको भी अपन कंप्लीट कर देते हैं, फिर एनिलीन कंप्लीट हो जाएगा अपना। नेक्स्ट आता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मीनिंग तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, H2SO4 को ऐड करना, किसको ऐड करना है, H2SO4 को।
ये H2SO4 की अगर अपन बात करें तो स्ट्रक्चर कैसे हो जाती है, एक तो आपके पास HSO4 माइनस और एक आपके पास क्या जाता है H प्लस, ये H2SO4 की स्ट्रक्चर होती है। अपने को क्या करना है, अपने को सल्फोनेशन करवाना है यानी कि H2SO4 ऐड करना है। नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या बनेगा NH3SO4, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया प्लस चार्ज। अब थोड़ी बहुत शिफ्टिंग करवा देते हैं, शिफ्टिंग करवाने के बाद में फाइनल प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा। NH2 और HSO4 का क्या हो जाता है आपके पास फॉर्मेशन हो जाता है SO3H, SO3H का क्या हो जाता है आपके पास फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये एनिलीन की आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी जो कंप्लीट हो गई, और इसी के साथ जो अपना चैप्टर नंबर 13 है वो भी क्या हो जाता है बच्चों कंप्लीट हो जाता है ना। चैप्टर नंबर 13 आपका जो सिलेबस है उसमें मे भी एनिलीन नहीं है, क्योंकि उसमें गिवन है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री जो एमीन है उनकी केमिकल रिएक्शन, उनका नॉमेनक्लेचर और इन सबके बारे में गिवन है। तो अपन ने स्टार्ट कर दिया था ESR के बारे में एक्सप्लेन करके, अगर कभी आ भी जाए तो अपने को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी के साथ अपना जो चैप्टर नंबर 13 है वो कंप्लीट हुआ। कल की क्लास से, नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे वेरी न्यू चैप्टर दैट इज सरफेस केमिस्ट्री, है ना। एक इनऑर्गेनिक फिजिकल का चैप्टर है रह जाता है, उसको अपन कल से स्टार्ट करेंगे। और आपसे एक हार्टली रिक्वेस्ट है कि दैट प्लीज 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 आप NCERT को सॉल्व करें, सॉल्व करके जो भी डाउट है वो अपन आफ्टर 3 और 4 डेज क्लियर करना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपनी NCERT सॉल्व करें। चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट, 13 कंप्लीट, एक चैप्टर रहता है, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द रिविजन ऑफ ऑल द सिलेबस ऑफ टर्म सेकेंड। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय।